वो सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, एक डेरिवेशन इसका कर लिए। दूसरा डेरिवेशन हमने किया सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, ये एल था। और आज करने जा रहे हैं हम थर्ड, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर राइट। अब उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो तीनों मिक्स हो जाएगा, तो तीनों डिवाइस आ जाएंगे उसमें और उसको हम कहेंगे सीरीज में। सीरीज में उसको तीनों डिवाइस को यहाँ कनेक्ट कर देंगे और उसको बोलेंगे सीरीज LCR सर्किट, LCR। इंडक्टर कनेक्ट कर देंगे, कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे और रेजिस्टर कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम जिस तरह से रेजिस्टेंस में, जस्ट मैं रिकॉल कर दूं एक बार कि क्या पढ़े थे, कि जो यहाँ करंट और वोल्टेज है वो सेम फेज में था राइट। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ तो कि एक बार आपका रिवाइज हो जाए, कॉन्फिडेंट हो जाए इस पे राइट। और दूसरी चीज की मतलब सेम फेज में, दैट मीन्स की फेज डिफरेंस जीरो था करंट और वोल्टेज में, दैट मीन्स की दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे थे राइट, जो भी डायरेक्शन था। उसके बाद इसमें हमने पावर लॉस कैलकुलेट किए थे, एवरेज पावर लॉस, वो आया था वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर राइट, ये कैलकुलेट किए थे। इसमें जो हम लोगों ने पढ़े वो करंट जो था वो ईएमएफ से पाई बाई टू लैग था, लैगिंग बिहाइंड द ईएमएफ, माइनस पाई बाई टू, मतलब माइनस इसलिए मैंने लगा दिया क्योंकि वो बिहाइंड था, लैगिंग बिहाइंड द ईएमएफ। यानी कि इसका इक्वेशंस मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, तो आपको तो ई का इक्वेशन मालूम है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई सॉरी ई इज इक्वल टू ई नॉट एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस पाई बाई टू के वजह से इसमें जो करंट और ईएमएफ है वो सेम फेज में नहीं है, उसमें फेज डिफरेंस पाई बाई टू का। सेकेंड थिंग, जो हम लोगों ने एवरेज पावर कैलकुलेट किए थे, देखो जी, तो एवरेज पावर हमने इसमें ये बता दिया था, पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, पी एवरेज इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला था आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस राइट, ये भी एक फॉर्मूला था। बट जो क्या कहते हैं, इंडक्टर में जो पावर हमने कैलकुलेट किए थे पी एवरेज, दैट इज जीरो, दैट वाज जीरो। दैट मींस कि जो भी एसी सर्किट में इंडक्टर केवल लगा हो उसमें पावर लॉस जीरो होता है, बट जिस सर्किट में अगर केवल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसमें पावर लॉस इतना होगा या फिर ना होगा। आप इसमें करंट और वोल्टेज के टर्म में बता सकते हैं, इसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म। अब यही दो चीजें जो हम लोगों ने पढ़ रखी यहाँ पर, कि उसका एवरेज पावर लॉस कितना है, उसका करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन है, कितना फेज से वो लैग कर रहा है या फिर लीड कर रहा है, ये चीजें भी हमें थर्ड वाले पार्ट में, यानी कि सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली में डिस्कस करना है राइट। तो बहुत ही कंसेंट्रेट होकर के नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हेडिंग है इसका, जो थर्ड हेडिंग, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, कैपेसिटेंस दैट मीन्स कि कैपेसिटर सर्किट में कनेक्टेड है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी है, इसको हमने अल्टरनेटिंग करंट से इधर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया राइट, ये अल्टरनेटिंग करंट। तो कंसीडर अ प्योर कैपेसिटर सी कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई गिवन बाय ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर जो ईएमएफ हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी राइट, इक्वेशन वन हो गया। और ये
सीपी और जो कैपेसिटेंस है दैट इज सी. एट एनी इंस्टेंट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट इक्वल टू अप्लाइड EMF. That means कि वो जो EMF applied था वो potential difference के equal होगा. That means V is equal to E is equal to E naught sin omega t. अब हमें basic formula मालूम है कि capacitance किस तरह से define किए थे हम लोगों ने. Second chapter में पढ़े थे C is equal to Q by V. Right? ये फॉर्मूला पढ़ रखे हैं राइट. यहाँ से आप Q की वैल्यू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू वी सी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा Q इज इक्वल टू वी सी. तो यहाँ पर आप देखेंगे और ज़ूम कर दूं मैं, तो Q इज इक्वल टू वी सी हो गया. तो ये V की वैल्यू ये E नॉट साइन ओमेगा टी एज इट इज रख दिया राइट, और C एज इट इज तो है ये C राइट, और V की वैल्यू ये वाली वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी राइट. अब करंट का फॉर्मूला हमें बेसिक मालूम है, रेट ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट. तो ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें क्यू की वैल्यू, जो क्यू की वैल्यू अभी हम जो कैलकुलेट किए हैं वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दे. तो क्या था वैल्यू, सी ई नॉट साइन ओमेगा टी. तो सी ई नॉट साइन ओमेगा टी क्यू की वैल्यू रखे हैं. तो सी ई नॉट कैपेसिटेंस भी फिक्स रहता है, आई ओ 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड जो भी उसकी कैपेसिटी 100 माइक्रोफेरेड वो फिक्स रहेगा राइट. और ये मैग्नीट्यूड ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू राइट, तो ये भी फिक्स है. तो ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, इसको हमने बाहर कर लिए. डिफरेंशिएट क्या होगा, केवल साइन ओमेगा टी. तो एक तो बहुत ही इजी टर्म आ गया कि केवल आपको साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट कर देना है. तो करंट हमारे पास आ जाएगा साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी होता है. ये आ गया ई नॉट और कॉस ओमेगा टी, और एक बार चेन रूल से ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा. इसको मैं अलग से एक बार बता दूं इधर से कि अगर आप साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी राइट. एक बार तो आपने इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इस एक बार एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि डी अपॉन डी टी ओमेगा टी. इसको कहते हैं चेन रूल, डिफरेंशिएशन का चेन रूल है. सारे टर्म स्टेप वाइज डिफरेंशिएट होते हैं राइट. तो ये ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी इनटू ओमेगा. अब यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करना है कि अरे ये ओमेगा है और ये ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर नहीं, ये एंगल था, ये अलग से टर्म है. तो ये मल्टीप्लाइड इधर इधर होगा इनिशियल में, तो इसको आप लिखेंगे ओमेगा कॉस ओमेगा टी राइट. तो ये आ गया हमारे पास सी ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी राइट. अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी नॉट तो एज इट इज यहाँ पर आई ओमेगा भी है, और कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. अभी आपने फॉर्मूला पढ़ रखे हैं साइन साइन पाई बाय टू प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. ये आपको ध्यान रखिएगा, ये सारे आइडेंटिटी आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ रखे होंगे या फिर पढ़ेंगे प्लस टू मैथमेटिक्स में. तो साइन पाई बाय टू प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. तो हमारे पास क्या आ गया, ये टर्म हो गया सी ई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. तो ये पाई बाई टू और ये है थीटा की जगह ओमेगा टी राइट. तो इसको अब हम इस टोटल टर्म को लिख लिए आई नॉट, ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. और आई नॉट की वैल्यू क्या है, ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी. ये जो
आई नॉट है, दैट इज ई नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा सी को यहाँ पर अगर ये कंपेयर किया जाए तो आप कहते हो ना कि ये v इज इक्वल टू आई आर, बेसिक फॉर्मूला में मालूम है, तो i इज इक्वल टू v बाई आर होता है, राइट। तो यहाँ पर हम EMF की बात कर रहे हैं, तो EMF का ये E नॉट लगा है, दैट मीन्स ये उसका वो है एम्पलीट्यूड है, राइट, और R रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की जैसे मतलब कंपैरिजन हमें उसी तरह से करना है, तो ये वन अपॉन ओमेगा सी होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस की जगह यहाँ पर क्या है, वन अपॉन ओमेगा सी है। तो अब एग्जैक्ट अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या हम उसको एग्जैक्टली रेजिस्टेंस ही बोलेंगे या फिर कोई और नाम से बोलेंगे, तो इसका नेम डिफरेंट होगा, दैट विल बी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जो ये होगा रेजिस्टेंस वो उसको हम एक्स सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये पहले वाले में हमने एक्स एल से रिप्रेजेंट किए थे, उसका वैल्यू ओमेगा एल हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे। यहाँ पर वन एक्स सी इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, वन अपॉन ओमेगा सी, दैट मीन्स ये आप कह सकते हैं कि ये हो गया पोटेंशियल और ये हो गया रेजिस्टेंस एक्स सी, राइट। तो यहाँ पर वही चीज लिखा है, जस्ट आप मतलब समझने समझाने के लिए उसको रेजिस्टेंस से कंपेयर किया गया, राइट। अब इसमें आगे चेक करते हैं, इक्वेशन टू हमारे पास है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बहुत ही बेसिक अगर आपने इंडक्टर वाले टॉपिक समझ लिए तो ये तो और भी बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि हमें पता क्या चला कि एक इक्वेशन हमने स्टार्ट में ये एज्यूम करके चले कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन किए और I इज इक्वल टू आ गया I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो अब आप कह सकते हो, मैं वीडियो और लेक्चर पॉज करके आप लोगों से पूछ लेता हूँ, चलो बता ही दो, हेमल नहीं सुनना है, अच्छा बताओ अब इससे आप क्या कंक्लूजन कर सकते हो। कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ गया, दैट मीन्स कि इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट इट इज लीडिंग बाय पाई बाय टू, जो करंट है वो पाई बाय टू लीड करेगा, मतलब आगे रहेगा, किससे, ईएमएफ से, और इसके पहले वाले में क्या था, वो लैग कर रहा था, लैगिंग बिहाइंड द ईएमएफ। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों ने इंडक्टर वाले के केस में यहाँ पर माइनस पड़े थे तो उसको हमने कह दिए थे लैगिंग बिहाइंड द ईएमएफ, लैगिंग ई, मतलब इस तरह से हमने वेक्टर डायग्राम बनाया था, तो ये ई इधर था और आई इधर था, ये ओमेगा टी, राइट, ये ओमेगा टी तो था ही एंगल, ये पाई बाई टू हो गया, पाई बाई टू। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये ओमेगा टी हुआ, अब इसी से 90 डिग्री एंगल पे ये क्या हो रहा है, लीड कर रहा है, राइट। अब देखो ग्राफ से इसको समझते हैं, नेक्स्ट पेज पे सर वो एक बार और बता दो। हाँ जी हाँ बता रहे हैं, अभी ग्राफ से बताने जा रहे हैं, ये देखो स्क्रीन पे ग्राफ हो रहा है। अब इसको अगर समझ लिए तो इवन मान लो कि पहले वाले टॉपिक ना समझ में आया हो, तो इसको अगर आपने समझ लिए तो तीनों टॉपिक समझ में आएगा, कोई सा भी एक आपको समझ में आना चाहिए तीनों टॉपिक में से, आइदर रेजिस्टेंस का या फिर इंडक्टर का या फिर कैपेसिटेंस का, कॉन्सेप्ट आपका सिमिलर है ना। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम है। तो फेजर डायग्राम में हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस में
ये हमने ईएमएफ और करंट को रिप्रेजेंट कर दिया, सॉरी एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में ओमेगा टी इस डायरेक्शन में है, राइट। तो जो ई नॉट था, सॉरी ये जो ई था, यानी कि ई का इक्वेशन था, ईएमएफ का इक्वेशन था, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि ये साइनोसोइडल वेव है। तो हमने एक सॉलिड लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर दिए ईएमएफ को इस तरह से, राइट। ये जीरो से यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने डेरिवेशन किए करंट का, वो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हमने ड्राइव किए थे। तो यहाँ पर अब एक पाई बाई टू एंगल इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये देखो, दैट मींस कि जो करंट स्टार्ट होगा वो यहां से स्टार्ट होगा पाई बाई टू, क्योंकि आपको मालूम है कि कॉस का जो डायग्राम होता है, साइन का यहां से स्टार्ट होता है, राइट, और कॉस का यहां से स्टार्ट, यानी कि ये 90 डिग्री हुआ है ना, यहाँ से मतलब cos यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये पाई बाई टू यहाँ से उसका फेज डिफरेंस हुआ, तो ये करंट है, करंट इसमें इंड्यूस हुआ, दैट इज दिस। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज I नॉट, जो यहाँ पर डायग्राम में हमें रिप्रेजेंट करें, सॉरी फॉर्मूला में है, राइट। और यहाँ जो इसका मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड दैट इज E नॉट, राइट। अब इसको उससे समझो, क्या कहते हैं, वेक्टर डायग्राम से, राइट। फेजर एंड वेक्टर डायग्राम दोनों यहाँ पर बने पड़े हैं, तीनों में हमने डिस्कस कर रखे हैं। तो एक्स एक्सिस में एज इट इज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहाँ पर ये ओमेगा टी एंगल किसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये एंगल जो है ये ओमेगा टी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ईएमएफ को, यहाँ ओमेगा टी। और इसका जो जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी मैग्नीट्यूड कह सकते हैं एम्पलीट्यूड है, दैट इज ई नॉट। इससे जो करंट है पॉजिटिव वे में ही है, पॉजिटिव यहाँ पर पॉजिटिव है, वो पाई बाई टू आगे लीड कर रहा है, यहां से पॉजिटिव से ही स्टार्ट कर, तो यहां से पाई बाय 2, क्योंकि ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो दैट मेक्स 90 डिग्री, और ये हो गया रिप्रेजेंटेशन करंट का, और इसका जो मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड है दैट इज I नॉट, और I नॉट का वैल्यू हमने वहां पर क्या कैलकुलेट कर रखे हैं, I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन XC, और xc इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा c। इसको समझ सकते हो कि ये इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल डिफरेंस, और दिस इज रेजिस्टेंस और दिस वन इज करंट, राइट। इस तरह से आप समझ सकते हो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फेजर एंड वेक्टर डायग्राम ऑफ सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस। इसे एक बार चेक आउट कर लीजिए, कोई अगर इसे इश्यू आता है तो पूछ सकते हैं आप। तो इसको एक बार इस तरह से हम लोग बनाए थे, तो मैं यहाँ बता रखता हूँ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको, एक्सी को, एक्सी जो इसका रेजिस्टेंस होता है, जिस सर्किट में एसी सर्किट में कैपेसिटर लगा रहता है उसके रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, राइट। उसका फॉर्मूला हम लोगों ने, ये एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा आपको मालूम ही है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, 2 पाई एफ, राइट। और इवन एफ इज इक्वल टू भी मालूम है, एफ इज इक्वल टू 1 बाई टी, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी, ये भी ध्यान रखना है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। अब जिस तरह से हम लोगों ने उधर एक्सेल और फ्रीक्वेंसी में एक ग्राफ रिप्रेजेंट किए थे, उसी तरह से यहाँ पर एक्सी वाई एक्सिस में और फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करके, और देखेंगे कि किस तरह से कैपेसिटिव रिएक्टेंस वैरी करता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है।
एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है। तो ये आपके यहाँ पर रिलेशन जो है तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है xc इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा c, तो ओमेगा इज इक्वल टू हमने बताया 2 पाई f, तो ये हो जाएगा c। तो जो रिलेशन है xc का वो इनवर्स रिलेशन है, xc एंड फ्रीक्वेंसी का, दैट इज इनवर्स रिलेशन, राइट। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब जिस तरह से हमने दो पॉइंट्स किए थे कि एसी और डीसी के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, उसको मैं एक बार रिकॉल करूं, आप लोग से पूछ लेते हैं। तो आप लोग को बताना है फर्स्ट पॉइंट एक्सएल एसी का कितना होता है, ये एसी के लिए एक्सएल की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर देखो कि अब हमें एक्स ही बताना है डीसी के लिए, है ना। एसी के लिए तो एग्जिस्ट करेगा ही, एसी के लिए एक्स ही जो होगा दैट इज 2 पाई एफ सी, 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, राइट। वो एसी के लिए इतना है, राइट, इस तरह से वो वैरी करेगा। बट डीसी के लिए कितना होगा ये हम यहाँ पर अलग से बता देते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, फॉर्मूला तो ये 1 अपॉन 2 पाई एफ सी है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ये हम बात कर रहे हैं डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, बोलो बच्चे। सर डीसी की, हाँ सर जीरो ही होती होगी, जीरो सर जीरो ही होती, जीरो हमने ये अभी बोला की है ना, जीरो होती है। तो टू पाई और एफ की जगह हमने जीरो रख दिया और सी, यानी वन अपॉन जीरो क्या होगा, वन अपॉन जीरो को क्या कहते हैं, बोलो, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी बोलते हैं ना, वन अपॉन जीरो, दैट इज यस सर। तो इससे हमें पता लगा कि जो इंडक्टिव सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC है इन डीसी सर्किट इज इनफाइनाइट। तो आप लोग को ये पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, प्रूव करने के लिए आ सकता है कि शो दैट कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट इज इनफाइनाइट फॉर डीसी सप्लाई, राइट। तो ये आप यहाँ पर इस फॉर्मूले से, ये जो यहाँ पर लिखा है, ये इसे बता सकते हैं कि इनफाइनाइट किस तरह से, राइट। देखिए जिस तरह से हम लोगों ने पावर लॉस कैलकुलेट किए थे आर वाले सर्किट में, एल वाले सर्किट में, राइट, तो उसी तरह से अब हमें सी के केसेस में, कैपेसिटर के केसेस